नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान भाई राशि सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, जिसके 2023-24 के नए चेयरमैन की अनाउंसमेंट कर दी गई थी। और आप जानते हैं कि यूएनओ जो है वो 193 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है और उसके अंदर 6 पार्ट्स एक्चुअली वर्क करते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें कि सभी देशों के में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और बेसिकली हर साल इसका एक चेयरमैन चुना जाता है 2023-24 के लिए, नए चेयरमैन कौन होंगे उनकी बात करेंगे, लेकिन साथ में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या होने वाले हैं। जब जनरल असेंबली का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया 1946 में, तो वो पॉल हेनरी स्पार्क थे बेल्जियम के, और ये जीके में बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम एट्थ के बारे में बात करें, 1953 में, याद रखिएगा 1953 के अंदर विजया लक्ष्मी पंडित जो भारत से आती हैं, वो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई और साथ में पहली भारतीय और एकमात्र भारतीय अध्यक्ष भी बनाई गई। साथ में 2021 के अंदर जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद बनाए गए थे। 2022 के लिए इसके अध्यक्ष जो है वो हंगरी के कसाबा कोरोसी बनाए गए, लेकिन अब 2023 के लिए इसके जो अध्यक्ष हैं वो त्रिनिदाद एंड टोबेगो के डेनिस फ्रांसिस बनाए गए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये नाम आता है सर कि जितने भी अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन जनरल असेंबली का काम क्या होगा। तो जनरल असेंबली जो होती है, याद रखिएगा, यूएनओ में जितने भी न्यू मेंबर्स इलेक्ट होते हैं या फिर जितने भी मेंबर्स कंट्रीज को यहां से हटाया जाता है, ये फाइनल डिसीजन करना जनरल असेंबली का काम होगा। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट 10 मेंबर होते हैं, आप जानते हैं उनमें से हर साल, क्योंकि 5 मेंबर जो हैं वो चेंज होते हैं, 2 साल का कार्यकाल रहता है जनरल असेंबली के सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स का, तो उनका चयन करने का काम भी जनरल असेंबली का होगा। अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का जो महासचिव सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जो फिलहाल आप जानते हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गटरस बने हुए हैं, ये काम भी जनरल असेंबली ही करती है। इसी तरह अगर हम बात करें यूएनओ का जो एनुअल बजट रहता है, उस एनुअल बजट को यूएनओ के वो भी बनाने का काम जनरल असेंबली का होगा। और याद रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहयोग के लिए जो अपील की जाती है, जो नीति बनाई जाती है, वो काम भी जनरल असेंबली का होगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है जनरल असेंबली से रिलेटेड, नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और इसके फंक्शंस को भी याद रखना होगा। इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन ये आपके काफी काम आने वाली है। ऐसी बहुत सारी वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।